स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायो क्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जिनका नाम लिस्ट में है। एंड बच्चों प्लीज़ अब आप अपनी CBT की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज इंटरव्यू, पैट, ये सब आप खुद से कर सकते हो। आपका 70% चांसेस होता है कि आप ये खुद से कर सकते हो, बट एज अ साइंस स्टूडेंट आपका GK और इंग्लिश होना भी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब टाइम है कि आप जिनका 17 को है, खासकर वो बच्चे जिनका 17-19 को है, 17 को है, फिर आई गेस 18 को भी है, तो आप अपना CBT की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो ये बच्चों मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1 है ये। अब से मैं इसी तरह से मॉक टेस्ट, ये स्टार्टिंग हो रही है मॉक टेस्ट की। तो ये बच्चों अब तक जो पहले कराए हैं वो भी आप कवर कीजिए, उनसे भी आप देखिए, उनमें मैंने क्या है आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन के साथ ही प्रोवाइड कर दिए हैं। बट इसमें मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करे हैं लेकिन वीडियो के लास्ट में करे हैं। इससे मेरा मोटिव बच्चों यही है कि आप जितना खुद से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी तो आपको एक्सप्लेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले वाले पैटर्न से ही करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन देती चलूँ। बट अभी क्या है ना कि आपको क्वेश्चंस खुद से करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न इस तरह से वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आगे के जो मॉक टेस्ट है, GK के मॉक टेस्ट, इंग्लिश के मॉक टेस्ट, इसी पैटर्न में अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये पैटर्न नहीं पसंद है, आपको पहले वाला पैटर्न पसंद है जिसमें मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं आपकी सहूलियत, आपके लिए है तो आपकी सहूलियत ही देखूंगी मैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो बच्चों ये आपका मॉक टेस्ट है, इसमें 20 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। 20 क्वेश्चंस आप कोशिश करिएगा कि आप 15 मिनट में आप कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका 30 मिनट्स का होगा, 15 मिनट्स के 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 15 मिनट के 20 क्वेश्चंस आपके GK के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। MNS 2023 इंग्लिश मॉक टेस्ट 1 क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेसेस। तो आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है एक ईडियम और फ्रेज का। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है। तो बच्चों क्वेश्चन 1 है, टू कट द गॉर्डियन नॉट। ऑप्शंस आर टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी, टू बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू गेट अ शार्प कट। तो बच्चों इसके आंसर जो है वो वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बट मैं आपको साथ साथ उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते चलूंगी, जिससे क्या होगा आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। बट कोशिश कीजिएगा कि आप 15 मिनट्स के अंदर इसे कवर करें, और नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ लेकर चलिएगा 0.5 की। तो टू कट द गॉर्डियन नॉट बच्चों क्या होता है कि एक जो जैसे गांठें नहीं पड़ जाती किसी धागे में, बहुत मुश्किल वाली गांठ पड़ जाती है, तो उसको कट करना। तो इसी से आपको बताना है कि इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। ऑप्शंस आर टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ वंस रिवॉर्ड, टू एक्ट वाइजली, टू सफर फॉर वंस फुलिश कंडक्ट। अब इसका मीनिंग होता है बच्चों कि अगर हम हवा बोएंगे तो हमें काटने को क्या मिलेगा, हमें बवंडर काटने को मिलेगा। सपोज अगर हम आम का पेड़ बोएंगे तो हमें आम के फल खाने मिलेंगे। तो मतलब अगर हम कुछ बुरा काम करते हैं तो हमें उसका भुगतान भी भुगतना पड़ता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसको भी हमें ही झेलना होगा। तो आपको इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चों बहुत ध्यान से कीजिएगा, आपको जहां से जितने मिलते हैं आप उतने कवर कीजिए। तो मैंने एक प्रॉपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी वीडियो बनाई है, आप वहां से भी बहुत सारे उसमें मैंने कवर किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप वहां से देख सकते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, डिसगस्टेड ईजली एंड इज हार्ड टू प्लीज। एक ऐसा इंसान जो बहुत सिलेक्टिव होता है, बहुत चूजी होता है, बहुत जल्दी चीज़ों से उसे घिन आती है एंड उसे इम्प्रेस करना बहुत हार्ड होता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? ए मिसेंथ्रोप, बी फास्टिडियस, सी सिलेक्टर, डी एम्बिगियस। अब मैंने आपको इसकी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसका आंसर खुद से सर्च, मतलब आपको खुद से करना है। सही होता है सही, गलत होता है गलत। आप अगर आप गलत करोगे तो आप उसे आपको करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा, और वो आपके दिमाग में जो है वो लंबे टाइम के लिए मेमोराइज होगी। अगर आप एक ही चीज़ को आप दोबारा सर्च करते हो, उसको पढ़ते हो, देखते हो, तो आपके टाइम जो माइंड में
चीज़ें जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज हो जाती है, तो इसलिए अभी आप गलत करने से मत डरिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप गलती करोगे तो आपके पास उसे सुधारने का मौका है। तो अगर आपसे गलत भी होता है तो आप कीजिए और फिर उन अपनी गलती को सुधारिए। तो आपका थर्ड हो गया बच्चों। नेक्स्ट है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़। अब जो पहले कोई वर्ड यूज़ होता था वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है, उसका यूज़ नहीं होता, तो ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे जो अब लुप्त हो गए हैं, उनका हम अब यूज़ ही नहीं करते। तो एक्सटेंट, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, नर्वस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स। एक ऐसा इंसान जिसे हर काम में ना कुछ नुक्स निकालना होता है, ऐसे इंसान को क्या कहा जाएगा, क्यूपिड, क्लेप्टोमैनियक, साइनिक, क्रोन। ठीक है, ये हुए बच्चों आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड एंटोनियम्स। तो है फर्स्ट है बच्चों वर्ड क्लिंच। क्लिंच के ऑप्शन है लोस, क्लैस्प, डील, सील। तो आपको क्लिंच का मैं हिंदी में मीनिंग बता दूं बच्चों। क्लिंच का जो हिंदी में मीनिंग होता है, एक तो आप कड़ी कह सकते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने वाली कड़ी। सेकंड आप सिक्योर कह सकते हैं, सिक्योर मतलब किसी के अपने आप को सिक्योर करना, तो क्लिंच उसका एक साइनोनियम क्लिंच का सिक्योर भी हो जाता है। तो एक उसका बच्चों क्लिंच का सिक्योर भी हो जाता है। तो आप इसमें देखना सही, अगर आपका सही होता है तो ठीक, नहीं गलत होता है तो आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, और अगर आपको कमेंट में पूछना है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। नेक्स्ट है एनर्वेट। एनर्वेट का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है उत्साहित या फिर खुश, थोड़ा खुश रहने वाला, खुश होना, खुश रहना, मतलब एक तरह से पॉजिटिव वे में है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे डिसेलरेट, स्ट्रेंथन, पुश फॉरवर्ड, एग्रीवेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि करेक्ट मीनिंग यानी कि साइनोनियम्स बताने हैं आपको। तो फर्स्ट है बच्चों रिसेंटमेंट, ऑप्शन है अनोयंस, डिस्पैच, डिसएग्रीमेंट, डिसमिसल। तो रिसेंटमेंट का मतलब होता है बच्चों क्रोधित होना, गुस्से में होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप इसमें आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, यानी कि उसका साइनोनियम बताना है, आप इसमें से चेक करना खुद। नेक्स्ट है नाइन ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट तो ऑब्ड्यूरेट का बच्चों मीनिंग क्या होता है हिंदी में, हटी, जिसे थोड़ा जिद करने वाला। ठीक है, तो ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होगा हटी, जिद करने वाला। तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट नरेशन। अब आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चों नरेशन के। शी अनाउंस दैट दे हैड सिलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर। तो आपको इसका करेक्ट नरेशन बताना है। ऑप्शन है सी सैड प्रदीप इज आर लीडर, सी अनाउंस्ड वी हैव सिलेक्टेड प्रदीप एज आर लीडर, सी अनाउंस्ड लेट अस सेलेक्ट प्रदीप एज आर लीडर, शी डिक्लेयर्ड प्रदीप हैड बीन सिलेक्टेड एज आर लीडर। और नरेशन थोड़ा ऐसा होता है कि इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, बट आप पहले इसका आंसर कीजिएगा, आप खुद से करके देखिएगा। अगर आपको अभी इस वाले मॉक टेस्ट में नहीं समझ आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो से जो नरेशन की वीडियोस होंगी उनको मैं आपके एक्सप्लेनेशन के साथ ही एक्सप्लेन करूँगी, उसके फॉर्म मतलब जो भी आपको थोड़ा फॉर्मूले वगैरह भी लगते हैं इसमें, SON123 वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अभी के लिए आप इसका आंसर देखिएगा, खुद से कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ये भी नरेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय, डोंट सिट देयर ही सेड टू द बॉय, डोंट सिट देयर ही सेड टू द बॉय, डिडंट सिट देयर ही सेड टू द बॉय, एंड डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। ठीक है, ऑप्शंस क्लियर है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द सेम क्वेश्चन इन एक्टिव पैसिव। अब आपको जो ये क्वेश्चन दिखेंगे या तो ये एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट है तो आपको उसका आंसर पैसिव वॉइस वाले फॉर्म में करना है, और अगर वो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट है तो आपको उसका आंसर एक्टिव वॉइस में करना होता है। तो ठीक है, ही विल नेवर फॉरगेट इट, ऑप्शन है ही विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, इट कैन नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम, इट शुड नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम, इट मे नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम। ठीक है, मैंने सही बोले है ना।
इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम, इट कैन नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम। ठीक है बच्चों, तो ये इसके ऑप्शंस हो गए, आपको एक्टिव पैसिव भी कन्वर्ट करने हैं। और अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स पर और नरेशन के रूल्स पर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए 17 से पहले, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए बनाने की उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या अभी टाइम बहुत कम है और ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ जो है आपका टाइम बहुत टाइम खा जाएंगी आपका, तो इसलिए मैं ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। आपको कहीं से भी आपको ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में आपको जितने क्वेश्चंस मिले उतने कम है, आप कीजिए। अब है नेक्स्ट है, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, डोंट बी इंसल्टेड बाई हिज वर्ड, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड, डोंट इंसल्ट हिम विद हिज वर्ड, डू माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। ठीक है, अब डू माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दैट मिस स्पेल्ट वर्ड। अब आता है बच्चों मिस स्पेल्ट वर्ड पे, तो मिस स्पेल्ट वर्ड, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर जो पोर्शन है उसमें से दो दो क्वेश्चन हैं, तो बच्चों ऐसे ही पेपर में आने वाला है, आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस इतना वास्ट है, तो सिर्फ एक ही सिलेबस से नहीं कवर करेंगे वो, ऐसे दो दो तीन तीन या एक क्वेश्चन भी हर सिलेबस से उठाएंगे, तो इसलिए मैंने आपका ये जो मॉक टेस्ट है इसी पैटर्न में बनाया है, जिससे आपका एक ही मॉक टेस्ट के अंदर आपको सारे पूरे पेपर का आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके दो दो को तीन तीन क्वेश्चन हर सेक्शन से बन के आएंगे। तो ये था, नेक्स्ट था बच्चों फाइंड दैट मिस स्पेल्ट वर्ड, तो एडमोनिशन, हेलुसिनेशन, एग्जिग्रेशन, कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन होता है बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक में, जिसमें सारे वर्ड सेम होते हैं, उनमें एक स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो चूज़ करनी होती है, और इसमें क्या है सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं और इसमें आपको उनकी स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग सॉरी गलत स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, रॉन्ग स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि सारे वर्ड्स अलग है, जब सारे वर्ड्स सेम होते हैं तो उनमें ईजी पड़ जाता है चेक करना कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी कौन सी गलत होगी। तो आप इस वाले में से आप देखिएगा कि आपको किसकी कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लग रही है, कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आ गए, वो मिस स्पेल्ड था, ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें क्या होता है कि जो सारे वर्ड्स जो हैं वो सेम ही हैं, तो कॉन्केशन, कॉन्वोकेशन, 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 तो आपको इसमें कॉन्वोकेशन की सही स्पेलिंग बतानी है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब आपको कॉन्शियस, कॉन्सियस, कॉन्स्टियस, कॉन्सियस, तो आपको कॉन्शियस की स्पेलिंग सही बतानी है। ये हो गए बच्चों आपके स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन 17 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। तो जो अंडरलाइन किया गया है ये है आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ये गलत लिखा गया अंडरलाइन इसलिए हुआ है क्योंकि ये रॉन्ग है, आपको ऑप्शंस में से इसका करेक्ट जो वर्ड है करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको टिक करनी है। तो डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो, तो डोंट थिंक, डोंट थिंक, मे थिंक, नो इम्प्रूवमेंट, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, अब आपको प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया, इन, फ्रॉम, विद इन, आउट ऑफ, तो स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया, आपको इसका करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। नेक्स्ट है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस, अबाउट, फॉर, ऑन, एट, तो इसमें भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, अब आपको सेंटेंस का पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। तो क्वेश्चन 2 है, आई कुडंट एबल टू आस्क माई डैड परमिशन टू वॉच अ मूवी, ठीक है सेंटेंस आपको समझ आया, आई कुडंट एबल टू आस्क माई डैड परमिशन टू वॉच अ मूवी। अब इसमें जो पार्ट गलत हो सकता है वो है आई कुडंट एबल टू आस्क माई डैड परमिशन टू वॉच अ मूवी, ये चार ऑप्शंस आपके इसी सेंटेंस में से दिए गए हैं, इनमें से जो भी रॉन्ग है उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है,
चलिए 20 क्वेश्चंस बच्चों पूरे हुए, नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो आप अपना पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा जब आंसर्स को देखिएगा। और रही बात तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली हैं और जितनी वीडियोस मैं आगे अपलोड करने वाली हूँ तो अच्छा होगा कि उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, तो आपको अपनी प्रैक्टिस करने में, अपनी तैयारी करने में ईजी होगा। तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई आपकी चॉइस है किसी टॉपिक पे, किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वो नेक्स्ट जो होगी वो जीके का मॉक टेस्ट होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।